हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली न्यू लर्निंग में। आज हम लोग नया कोई चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले दो तीन क्वेश्चंस बचा है पिछले दिन से, जो हम लोग लेने वाले थे क्वेश्चन स्क्वायर का, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, तो वही करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले दिन दिए थे, आप लोगों में से बहुत लोग ट्राई किए होंगे, तो मैं फिर एक बार करा देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। ये देखिए, 1 2 3, हम लोग बाहर वाला काउंट कर रहे हैं। ये 1 2 3 4, तो कितना होता है, यहाँ से निकल के आता है 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1, कितना होता है 12 + 6 + 2 = 20 हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि इसके अंदर हिडन जो स्क्वायर है वो है कि नहीं। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला निकल के आ रहा है, ये वाला एक हिडन स्क्वायर हो गया, ये वाला एक हो गया, तो इसके साथ हम लोग एक ऐड करेंगे। इसके अलावा भी इसमें दो और हिडन स्क्वायर्स हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत आसानी से देख पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना अच्छा हो जाएगा। वैसे सारा क्वेश्चंस मैं करवा ही दे रहा हूँ जैसा आता है। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये वाला एक और आ रहा है स्क्वायर, हिडन स्क्वायर, और ये वाला एक और स्क्वायर आ रहा है हिडन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसके साथ और दो ऐड कर दिए, टोटल हो गया 23। तो 23 आंसर है, ज्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने आंसर किया ही होगा, फिर भी मैं एक बार दिखा दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए और हमारा जो पिछला क्लासेस है वो जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और दो क्वेश्चन है मैं ले लेता हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है ना, ले लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाहर भी एक और होगा, ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है। ये क्वेश्चन है और यहां से ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन से हम लोग को बताना है कि कितना स्क्वायर्स है, नंबर ऑफ स्क्वायर। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो फिर इसके लिए हम लोग को टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं, बहुत आसान सा है। ये वाला जो फिगर आप दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला, इससे हम लोग पहले निकालेंगे। तो ये 1 2 है, ये 1 2 3 4 है, तो इससे कितना निकल के आता है 4 × 2 + 3 × 1, राइट, 8 + 3 कितना आ गया, 11 आ गया, यहाँ से आसानी से। अभी क्या करना है, इसके अलावा कितना ट्रायंगल है, तो बाहर वाला हम लोग देख लेते हैं। ये बाहर वाले में हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों तो स्क्वायर का नहीं है पार्ट, हम लोग तो बाहर कैलकुलेट कर लिए, तो ये 1 ये 2 है, और ये टोटल मिला के ये 1 है और ये 2 है, तो इससे क्या निकल के आता है, ये ऐसा एक फिगर बनता है बाहर वाले से कि 1 2 और 1 2, ऐसा फिगर बनता है। तो इससे कितना निकल के आता है, 5 होता है, इससे हम लोग पहले बहुत बार पहले हम लोग कर चुके हैं। इससे कितना निकल के आता है, 5, तो 11 + 5 कितना हो गया, 16, इसका आंसर कितना है, 16। बहुत जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट करने का जरूरत है ही नहीं, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को मजेदार लगने वाला है। हो गया, ये वाला नहीं, मैं अच्छे से बना लेता हूँ क्वेश्चन ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो।
ये भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम लोग आज क्लॉक शुरू करने वाले हैं, ठीक है? क्लॉक में और ज्यादा मजा आने वाला है। रुकिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ करके लग रहा है मुझे। ये यहाँ से जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है? अभी क्वेश्चन सही लग रहा है मुझे। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? पहले आ चुका है, पहले ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिखने में ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा सा अब लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, कहाँ से आ गया है। तो आप लोग को ये चुटकी बजाते हो जाएगा बहुत आसानी से। तो आप लोग देखिए यहाँ से कौन सा फिगर आप लोग को जाना पहचाना सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो ये वाला को मैं पहले सॉल्व करने वाला हूँ। कितना है 1 2, ये कितना है 1 2 3, तो क्या होगा 3 × 2 + 2 × 1, कितना हो गया 6 + 2 8 हो गया। यहाँ से कितना निकल के आया, 8 आ गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना बच गया, 1 2 3 4, तो इसके साथ 4 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 12 हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि हिडन इसके अंदर कोई एम्बेडेड स्क्वायर है कि नहीं, जैसे हम लोग सारा करते हैं। तो इसमें से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो है ये एक एक्स्ट्रा बन रहा है। हम लोग जो अलग अलग करके काउंट किए ना, अभी इसके साथ ये दो मैट जो के ये स्क्वायर बना रहा है, ये एक हो गया। तो प्लस वन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, प्लस वन है। इसी के साथ अभी एक और दिखाई दे रहा है मुझे, अच्छे से देखिए, ये वाला जो है ये वाला एक और बन के आ रहा है। तो प्लस वन कितना हो गया 14, टोटल 14 स्क्वायर्स है यहाँ पे, ठीक है? और है ही नहीं, हो गया। तो हम लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एग्जाम लेंगे, दूसरा चूज करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग नया टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? नया टॉपिक क्या है, क्लॉक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं क्लॉक बना लेता हूँ। कैसे शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं कि पहले दिखता कैसा है क्लॉक, ठीक है ना? तो हम लोग पहले कैसे दिखता है क्लॉक वो बना लेंगे। क्लॉक को हम लोग को देखना है, कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का अगर हम लोग देख लिए ठीक तरीके से तो बहुत आसान है। तो क्लॉक दिखता कैसा है, 12 6 3 9, ठीक है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 7 8 10 11, ऐसा ही दिखता है क्लॉक। क्लॉक कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना? और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो हैंड्स होते हैं, एक सेकेंड हैंड भी होता है, लेकिन हम लोग वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो हम लोग बना लेते हैं, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, ठीक है? क्या है ये हमारा आवर हैंड, ये क्या है, ये हमारा मिनट हैंड। तो हम लोगों को यहाँ पे जो जो टर्म याद रखना है वो मैं लिख दे रहा हूँ, जो जो टर्म हम लोगों को चाहिए, जो टर्म हम लोगों को चाहिए, ठीक है? टर्म्स ऑफ क्लॉक क्या चाहिए हम लोगों को, पहले हम लोगों को चाहिए मिनट स्पेस, ठीक है? मैं सारा अच्छे से समझा दूंगा क्या है मिनट स्पेस क्या है। मिनट स्पेस कुछ भी नहीं है, मिनट स्पेस मतलब ये जो स्पेस होता है ना, एक एक करके टोटल मिनट जितना होता है, मिनट काउंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे मिनट स्पेस बोल रहे हैं कि एक मिनट में हम लोग का कितना जगह लग रहा है, उसको हम लोग मिनट स्पेस बोल रहे हैं। मिनट स्पेस और कुछ है ही नहीं, मिनट ही है, मिनट को ही हम लोग यहाँ पे मिनट स्पेस बोल रहे हैं, ताकि हम लोग कोई भी अदर जो आवर है उसको भी मिनट स्पेस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है? तो मिनट स्पेस हो गया, कुछ भी नहीं है, मिनट ही है। दूसरा हम लोग का आता है मिनट हैंड। मिनट हैंड को हम लोग इमेज बोलेंगे, इमेज टर्म देंगे शॉर्ट में। हम लोग के पास तो टाइम नहीं है ना इतना सारा याद रखेंगे, तो शॉर्ट में बताएंगे। तो अभी फिर हमारा आता है आवर हैंड।
आवर हैंड क्या बोलते हैं, एच एच आवर हैंड हो गया। अभी आप लोगों को कुछ कुछ एक चीज है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे आप लोग टोटल कितना मिनट देख पा रहे हैं, एक क्लॉक में टोटल एक बार पूरा सर्कल मार के आने पे एक पॉइंट पे कितना मिनट देख सकते हैं, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हम लोग मिनट तो नहीं बोलते, मिनट स्पेस बोलते हैं। तो कितना होता है टोटल मिनट स्पेस, 60 होता है, 60 मिनट स्पेस होता है राइट टोटल। और टोटल हमारा एंगल कितना होता है, किसी एक पॉइंट से शुरू करके पूरा घूम के अगर उसी पॉइंट पे वापस आए तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है एंगल, 360 डिग्री होता है राइट। तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर ये ही 1 मिनट स्पेस हो तो 1 मिनट स्पेस में कितना होता है, 6 डिग्री राइट, 6 डिग्री निकल के आता है यहां से। तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, यही याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ये याद रखना है। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, जो नोट बना रहे हैं उसी में लिख लीजिए। ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट स्पेस इक्वल्स टू 6 डिग्री ठीक है। और एक चीज आप लोगों को जरूरत होगा वो मैं बता दे रहा हूं, वो है कि हर एक मिनट में जो आवर हैंड है ना, आवर हैंड एच एच जो आवर हैंड है, हर एक मिनट पे कितना डिग्री मूव करता है, हर एक मिनट पे एक आवर हैंड जो है वो हाफ डिग्री मूव करता है, हाफ डिग्री मूव करता है ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए, ये दो चीज आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ये दोनों चीजें आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ने वाला है। और एक तीसरा चीज जरूरत पड़ेगा वो भी मैं लिखवा दे रहा हूं कि एक आवर में आप लोगों को टोटल 5 मिनट स्पेस कवर होता है, कितना कवर होता है 5 मिनट स्पेस, मिनट नहीं होता है, एक आवर में तो 60 मिनट्स होता है मुझे पता है। मिनट स्पेस मतलब कितना जगह ले रहा है, कितना मिनट ले जगह, मतलब ये अगर यहाँ पे है, सपोज आप लोग मान के चलिए कि ये अगर यहाँ पे है आवर, और ये यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा एक आवर हो गया ना, तो इसमें ये स्पेस कितना कवर कर रहा है 5 मिनट स्पेस, क्योंकि ये यहाँ तक मिनट में कितना होता है 5 मिनट होता है ना, तो मिनट स्पेस कितना कवर करता है 5 मिनट स्पेस। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मिनट में कितना जगह लग रहा है इसलिए मिनट स्पेस ठीक है। तो ये तीन जो है, ये तीन फॉर्मूला की तरह आप लोग याद रख सकते हैं, ये तीन पॉइंट, इसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी सारा फंडा सब कुछ खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है ना, एक मजेदार सा क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग मिटा देते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहते हैं कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एंगल, मैं हिंदी में भी बता दूंगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, लिख लीजिए मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एग्जाम हॉल में मिनट हैंड और आवर हैंड करके लिख के आएगा, मैं शॉर्ट के लिए यहाँ पे एम एच और एच एच लिख रहा हूँ, आप लोग मिनट हैंड और आवर हैंड ही लिखिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड द आवर हैंड एट 3:30 PM ठीक है, कोई भी टाइम दे सकता है, हम लोग 3:30 PM टाइप वन है। मैं जो फंडा बताया, जो ट्रिक्स बताया वो सारे टाइप में ही, सारे टाइप के लिए लागू है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले टाइप का है ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड में गैप कितना है। तो हमारा 3 बज रहा है, 3:30 है, तो क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है जब हमारा 3:30 बज रहा है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छे से समझेंगे, एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो सारा कर पाएंगे ठीक है। ड्रॉ कर लेता हूँ, 3:30 है, 3:30 मीन्स ये है 3 और ये है 30। एग्जाम हॉल में आप लोग ड्रॉ करने मत बैठिएगा, तब आप लोगों का होगा भी टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, मैं ठीक समझा दूंगा। तो 3:30 है, तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या,
तीन और 30 के बीच में कितना मिनट स्पेस है, उससे हम लोग एंगल निकालेंगे। तो तीन का मतलब कितना मिनट स्पेस होता है, तीन का मतलब मिनट स्पेस कितना होता है कि एक आवर में मैं कितना बताया था थोड़ी देर पहले, एक आवर में 5 मिनट स्पेस होता है। तो तीन तीन बज रहा है मतलब 3 आवर है, कितना होगा 15 मिनट स्पेस हो गया। 15 मिनट स्पेस ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और 30 मिनट में कितना मिनट स्पेस होगा, 30 मिनट मतलब मिनट स्पेस 30 होगा। मैं बता चुका हूँ कि मिनट और मिनट स्पेस एक ही है, तो इसका मतलब मिनट स्पेस ये है। तो तीन और तीन बज के 30 मिनट मतलब ये दोनों के बीच का मिनट स्पेस मुझे निकालना है, तो ये दोनों को माइनस कर दूंगा, ये दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों को माइनस करने से कितना होगा, 30 मिनट स्पेस माइनस 15 मिनट स्पेस हो गया, कितना 15 मिनट स्पेस। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि एक मिनट स्पेस में कितना होता है, मैं थोड़ी देर पहले लिखवाया था फॉर्मूलाज में, एक मिनट स्पेस पे 6 डिग्री होता है, क्या होता है एक मिनट स्पेस पे 6 डिग्री होता है। तो 15 में कितना होगा, 15 निकला ना मैं हमारा, तो कितना होगा 15 into 6 कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम लोग यहाँ से देख के पता कर सकते हैं, लेकिन ये देख के तो हम लोग करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं आएगा। तो 90 डिग्री आंसर नहीं है, ऑप्शन में होगा 90 डिग्री लेकिन 90 डिग्री नहीं है आंसर। आंसर क्या होगा मैं करवाता हूँ, ठीक है। आंसर क्यों नहीं है 90 डिग्री, क्योंकि जब तक ये जो मिनट स्पेस यहाँ से मूव करते करते मिनट हैंड यहाँ तक आएगा, तब तक ये आवर हैंड यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा, ये तब तक तो ये भी चलता है, क्लॉक तो आप लोग सभी देखे होंगे, तब तक ये थोड़ा सा हट जाएगा। तो कितना हटेगा वो भी तो हमको पता करना है, तो थोड़ा कम होगा ना, 90 से कम होगा, क्योंकि थोड़ा हट चुका है तब तक। कितना कम होगा वो मैं लिखवाया हूँ, कि क्या लिखवाया था कि एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करता है, कितना लिखाया था एक मिनट में, हम लोग किए थे थोड़ी देर पहले, एक मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री जाता है। तो यहाँ पे कितना मिनट हो चुका है, 30 मिनट हो चुका है। 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 डिग्री मूव हो चुका है, राइट 15 डिग्री मूव हो चुका है 30/2 करके। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आया, 90 होना चाहिए था, लेकिन आवर हैंड 15 डिग्री मूव हो चुका है इस साइड पे, तो ये कम होगा ये एंगल। तो 90 जो डिग्री था उससे हमारा 15 डिग्री जो है वो माइनस होके हमारा यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है, बहुत आसान है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा बहुत सारा मैथ्स लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जो टाइम है ये टाइम को चेंज कर दे रहा हूँ, टाइम को मैं 2:18 कर दे रहा हूँ, ठीक है 2:18 218। ये वाला आप लोग कीजिए, कोशिश कीजिए, मैं जैसे करवाया हूँ वैसे ही कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसा भी करवाऊंगा और भी बहुत सारा करवाऊंगा। टाइप 2 है, टाइप 3 है, बहुत सारे टाइप का है, बहुत मजा आने वाला है। क्लॉक कहीं पे नहीं मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब में ज़्यादा, यूट्यूब में क्या क्लासेस में भी कम करवाते हैं, तो हमारे यहाँ अच्छे से क्लॉक एकदम अच्छे से बेस्ट तरीके से होगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोगों को और चाहिए, कौन सा क्लासेस का आप लोगों का डिमांड है, क्या आप लोगों को पसंद आया क्या नहीं आया। और हमारा दूसरा भी टीचर्स जो है वो लोग भी पढ़ा रहे हैं, उनका क्लासेस भी कीजिए। और ऑफलाइन में हमारा कोलकाता से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोग बंगाली में पढ़ाते हैं, किसी को अगर ज़रूरत है तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। और थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, हम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन है नीचे की तरफ, वो बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।